हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने भेद होते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के कितने भाग होते हैं और बोली किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट, भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिससे हम अपने विचारों या मनोभाव को दूसरों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, भाषा के कितने भेद होते हैं। भाषा के दो भेद होते हैं। पहला, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा को इंग्लिश में ओरल लैंग्वेज कहते हैं। जब मन के विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है तब वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। नेक्स्ट, लिखित भाषा। लिखित भाषा को इंग्लिश में रिटन लैंग्वेज कहते हैं। जब मन के विचारों को लिखित रूप में प्रकट किया जाता है तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। नेक्स्ट, व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखता है, उसे व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट, व्याकरण के कितने भाग होते हैं। व्याकरण के तीन भाग हैं। फर्स्ट, वर्ण विभाग। वर्ण विभाग, इस विभाग में वर्णमाला, वर्ण के भेद तथा उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट, शब्द विभाग। शब्द विभाग, इसमें शब्दों के रूप, शब्द भेद, उनकी रचना तथा उनके प्रयोग पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट, वाक्य विभाग। वाक्य विभाग, इसमें वाक्य की बनावट, वाक्य भेद तथा उनकी शुद्धता पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट, बोली किसे कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। एक भाषा में स्थान भेद से बोलचाल के कई रूप होते हैं। ऐसे रूप भाषा विशेष की बोलियां कहे जाते हैं। नेक्स्ट, लिपि किसे कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।